रायपुर में महापौर एजाज देवर ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। पत्र में 7 करोड़ मोबाइल को डोनेट योर मोबाइल अभियान में इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार ने 7 करोड़ मोबाइल खरीदे थे, लेकिन किसी तकनीकी खामी की वजह से उन्हें वितरित नहीं किया गया। महापौर का कहना है कि मोबाइलों की खामी दूर करके उन्हें बच्चों को बांट दिया जाए, जिससे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में मदद मिले। महापौर एजाज देवर से खास बातचीत की संवाददाता सत्या राजपूत ने। ऑनलाइन क्लास में छूट रहे गरीब बच्चों का ख्याल नगर निगम रायपुर ने रखा है, उन्हें पे मोबाइल अभियान को छेड़ा है। जिन बच्चों के पास मोबाइल सुविधा नहीं है, ऑनलाइन क्लास से वंचित रहे हैं, उनको मोबाइल दिया जा रहा है। इस वक्त महापौर एजाज देवर हमारे साथ मौजूद हैं। आज बच्चों को आपने मोबाइल दिया, क्या है इसका उद्देश्य? देखिए, जो बच्चे जैसे ई क्लासेस हम लोग 3 इंग्लिश स्कूल हमने किया है, आपको पता है कि अभी कोरोना के चलते पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। हम आज रायपुर की हमने जनता से अपील भी की है, और मैं खुद भी उन बच्चों को मैंने आज अपने नए मैंने मोबाइल खरीद के दिए। 5 पुराने मोबाइल आए थे, 2 कोई शर्मा है सौरभ शर्मा, उसने ला के दिया। तो इस तरीके से मोबाइल लोगों के लिए आने मतलब चालू हो गए। और हम सवाल ये है कि 56 लाख स्टूडेंट हैं पहली क्लास से पांचवी तक, अब इन उसमें से सिर्फ 16 लाख ऑनलाइन क्लास का फायदा ले रहे हैं। सब फायदा कैसे ले सकते हैं? क्या कोई योजना है या सरकार के पास कुछ ऐसा? देखिए, मैंने आज मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी है, और शिक्षा विभाग को भी बोला कि आपने भी चिट्ठी लिखो कि हमारे पास एक मुहिम चली थी रमन सिंह जी की सरकार में मोबाइल वाला, तो वो मोबाइल अभी तक बटे नहीं। 7 करोड़ के मोबाइल आज भी हमारे पास डम पड़े हुए हैं माइक्रोमैक्स के। अगर वो मोबाइल को अगर हम स्कूलों में पूरे छत्तीसगढ़ के हर कोने में जितने हमारे पास दाखिले होते हैं अगर हम बांट दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर भी हमें मोबाइल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उसको मोबाइल को ले जाके आप उसके जो उसके अंदर वेब है उसको आप चेंज कर दो, जो भी उसमें मटेरियल है उसको चेंज कर दो, और सीधा सीधा बच्चे उसको अपने ई क्लासेस में उसको इस्तेमाल कर सकते। सरकार क्या कहना चाहेंगे? आपने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, चिट्ठी सीएम को लिख दिए हैं, लोग जो समाज के हैं कोई मदद करना चाहते हैं? देखिए, मैं रायपुर की जनता से अपील करता हूं, क्योंकि देखिए शायद भगवान को मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, कोरोना के समय हमने लोगों से अपील की, लोगों ने दोनों हाथ से उस समय हमने भगवान को देखा पब्लिक के रूप में कि इतनी लोगों की सेवा की, रायपुर में कोई भूखा नहीं रहा। अब ये इस मुहिम में भी मुझे पूरा यकीन है, बल्कि मैं रायपुर की जनता से अपील करता हूँ कि बेचारे जो बच्चे मिडिल क्लास के हैं, वो बच्चे जो बेचारे रिक्शे वाले, वो बच्चे जो बेचारे ठेले वाले, वो बच्चे जो चाय वाले हैं, उनके बच्चों को मोबाइल की जरूरत है। आपके पास अगर कोई सेकंड हैंड मोबाइल है तो आप उनको डोनेट कर सकते हैं, अगर आप कोई नया खरीद के दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन बच्चों के काम में आ जाएगी। अगर ये मुहिम रंग लाई तो हर बच्चा ऑनलाइन क्लास का फायदा उठा सकता है, जो कि पिछले 4 महीने से पढ़ाई बंद है और ऑनलाइन ही विकल्प है क्योंकि स्कूल नहीं खुल रहे हैं। तो इस तरह आपकी एक छोटी सी मदद हर बच्चे की पढ़ाई में मददगार साबित होगा। कैमरामैन नागालकर के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के